हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स जब भी हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वो भी आपका कलवर्ट या फिर आपका माइनर ब्रिज या फिर आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिज, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेन स्ट्रक्चर बनाया जाता है और मेन स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका प्रोटेक्शन वर्क का काम स्टार्ट होता है। जब हम ब्रिज के प्रोटेक्शन वर्क की बात करते हैं तो उसमें आपका फ्लोर एप्रोन आता है, उसमें आपका फ्लेक्सिबल एप्रोन आता है, उसमें आपका कर्टन वॉल आता है और आपकी टॉय वॉल भी आ रही होती हैं, जो कि आपका अपस्ट्रीम साइड में भी प्रोवाइड किया जाता है और आपका डाउनस्ट्रीम साइड में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उसके आसपास हम अपने प्रोटेक्शन वर्क को कैसे प्रोवाइड करते हैं और जो आपके पास ब्रिज की ड्रॉइंग्स आती हैं उन ड्रॉइंग्स में हम लोग प्रोटेक्शन वर्क का कैसे एनालिसिस करते हैं, जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है उसकी डिटेल को कैसे पढ़ेंगे, आपका जो फ्लोर एप्रॉन है उसकी डिटेल को कैसे पढ़ेंगे और जो आपका कर्टन वॉल आ रहा है अपस्ट्रीम साइड में, कर्टन वॉल आ रहा है तो उसकी डिटेल अलग होती है, उसको कैसे एनालिसिस करना है, डाउनस्ट्रीम साइड में कर्टन वॉल आ रहा है तो उसकी डिटेल अलग होती है, उसको कैसे एनालिसिस करना है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग ड्रॉइंग के थ्रू अपने सेशन में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप इसके थ्रू आप प्रोटेक्शन वर्क का कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्जीक्यूशन करवा सकें और उसकी एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का काम भी कर सकें। तो जनाब, ये सेशन काफी लंबा होने वाला है, तो आप इस सेशन को पूरा देखिए तो आपको ब्रिज के प्रोटेक्शन वर्क के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ये आपका क्या है, आप स्ट्रीम साइड का कर्टन वॉल जो रखा है, देखेंगे एक कर्टेन वॉल आपका अपस्ट्रीम साइड में आता है और एक कर्टेन वॉल आपका ये डाउनस्ट्रीम साइड में आता है, इस तरह से। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, कर्टेन वॉल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, कर्टेन वॉल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, कर्टेन वॉल है। ये डाउनस्ट्रीम साइड का है और ये क्या है आपका, अपस्ट्रीम साइड का है। तो आपके दो कर्टन वॉल आते हैं, एक आपका डाउनस्ट्रीम साइड में आता है, दूसरा आपका अपस्ट्रीम साइड में आ रहा होता है। क्लियर? अब हम कर्टन वॉल क्यों प्रोवाइड करते हैं, इस बात को समझिए। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर भी आप एक देख लीजिए। अब बेसिकली क्या होता है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरह से हमने आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है जो आपका वाटर होगा वो इस स्ट्रक्चर के अंदर से ही पास होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपका पानी इस स्ट्रक्चर के अंदर से ही पास हो? आपका पानी सीपेज के थ्रू इस स्ट्रक्चर के नीचे से भी तो पास हो सकता है ना। आपका वाटर वो कहीं से भी पास हो सकता है, सो सिर्फ आपका सीपेज होगा, कहीं से भी निकल जाएगा वो, तो उसको कोई जगह नहीं चाहिए कि आप उसको जगह देंगे तब निकलेगा, वाटर अपनी जगह खुद बना रहा होता है। क्लियर? तो आपकी इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपका वाटर है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर से ही होकर जाएगा? वो आपका वाटर सीपेज के थ्रू आपका रिस के इस स्ट्रक्चर के नीचे से भी जा सकता है। अगर आपका वाटर इस स्ट्रक्चर के नीचे से गया तो इस स्ट्रक्चर के नीचे की जो सॉइल है वो पूरी आपकी लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा। क्लियर? तो आपका वाटर इस स्ट्रक्चर के नीचे से पास ना हो, इसलिए हम आपका कर्टन वॉल भी बना रहे होते हैं और आपकी टॉय वॉल भी बना रहे होते हैं, जो कि आपकी 2 मीटर 2.5 मीटर डेप्थ में जा रही होती हैं। जो आपकी कर्टन वॉल्स होती हैं और जो आपकी टॉय वॉल्स होती हैं वो आपकी 2 मीटर 2.5 मीटर डेप्थ में जा रही होती हैं, ताकि जो आपका वाटर वो नीचे से सीपेज होकर आपके स्ट्रक्चर से पास ना हो सके, जो आपका वाटर पास हो वो स्ट्रक्चर के अंदर से पास हो। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ आपको ये कर्टन वॉल दे रखा है और कर्टन वॉल का जो लेंथ है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, आप ये देखेंगे, ये आपको कर्टन वॉल का इन्होंने लेंथ दे रखा है। कर्टन वॉल का यहाँ पे कितना लेंथ दे रखा है, ये आपको दे रखा है 35,400 आपका 86। क्लियर? ये कुछ दे रखा है, बहुत स्क्रीन में काफ़ी छोटा हो रहा है इसलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसको हम आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे तब आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। कुछ आपको दे रखा है, ये देखेंगे यहाँ पर 35,486 आपको कुछ ये दे रखा है। ये क्या है, हमारा कर्टन वॉल का लेंथ हो रखा है। क्लियर? यही हमारा क्या होगा, कर्टन वॉल का लेंथ होगा। क्लियर? जो कि आपका अपस्ट्रीम साइड में भी आएगा और आपका डाउनस्ट्रीम साइड में भी आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, अब जो आपका कर्टन वॉल है उसका टॉप ब्रेथ आपको दे रखा है, ये देखेंगे 200 आपको क्या दे रखा है, टॉप ब्रेथ दे रखा है। यहाँ पे देख पाएंगे तो ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है जो हमारा कर्टन वॉल है इसका जो टॉप ब्रेथ है वो आपको 200 mm दे रखा है। नीचे आएंगे तो जो आपका अपस्ट्रीम साइड है वहाँ पर भी आपको दे रखा है, ये देखेंगे टॉप ब्रिज दे रखा है कितना, 200 mm। क्लियर? तो बाकी इसकी डेप्थ वगैरह कितनी होगी वो हम आगे एनालिसिस कर रहे होंगे सेक्शन में। क्लियर? तो ये हमारा कर्टन वॉल आ गया। इसके बाद हम लोग क्या बना रहे होते हैं, फ्लोर एप्रॉन बना रहे होते हैं। क्लियर? जो आपका कर्टन वॉल है वो क्या करता है, आपका फ्लोर एप्रॉन और आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन को भी सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर? क्या करता है, आपका
कर्टन वॉल जो आपकी फ्लोर एप्रॉन आ रही होती है, जो आपकी फ्लेक्सिबल एप्रॉन आ रही होती है, उसको सेपरेट करने का काम करता है। और फ्लोर एप्रॉन क्या होता है, फ्लेक्सिबल एप्रॉन क्या होता है, हम ऑलरेडी पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ ये यहाँ पे ड्रॉइंग रीडिंग है। क्लियर? तो ये आपको फ्लोर एप्रॉन दे रखा है, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है और जो आपकी कर्टन वॉल है उसके बीच में जो आपका पार्ट बन रहा है, उसके बीच में जो हम बना रहे हैं वो हमारा क्या है, आपका फ्लोर एप्रॉन है। क्लियर? मेन स्ट्रक्चर और आपकी जो कर्टन वॉल है उसके बीच में जो पार्ट बनेगा वो हमारा क्या है, आपका फ्लोर एप्रॉन है। और कर्टन वॉल के बाहर जाके जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल एप्रॉन होता है। इसमें क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, फ्लोर एप्रॉन है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, यहां से ये स्टार्ट होता है इस तरह से। यहां से आपका ये स्टार्ट होता है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, जो आपकी डाउन स्ट्रीम है उसका क्या है, ये आपका फ्लोर एप्रॉन है। क्लियर? और ये आपको अपस्ट्रीम साइड का दे रखा है, ये देखेंगे, ये हमारी अपस्ट्रीम साइड का आपको फ्लोर एप्रॉन दे रखा है। ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर टाइम इतना लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ड्राइंग रीडिंग अच्छे से आ जाएगा तो आप ये मानिए कि कंस्ट्रक्शन में आधी से ज्यादा जंग फतेह कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको अच्छे से ड्राइंग रीडिंग आता है तो आप साइट पे जाके प्रॉपर तरह से काम करवा सकते हैं, उसका बीबीएस बना सकते हैं, आप एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कर सकते हैं यदि ड्राइंग रीडिंग आता है। यदि आपको ड्राइंग रीडिंग नहीं आता है तो जनाब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, खत्म है आप। और ये देखेंगे इस तरह से हमारा, ये इस तरह से, ये आपका क्या है, फ्लोर एप्रॉन है। तो ये आपका अपस्ट्रीम साइड का फ्लोर एप्रॉन है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, अपस्ट्रीम साइड का फ्लोर एप्रॉन है। और ये आपका क्या है, डाउनस्ट्रीम साइड का फ्लोर एप्रॉन है। तो जो आपका कर्टन वॉल है, क्लियर, और जो आपकी टॉय वॉल आ रही है और जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हम पार्ट बनाएंगे, वो हमारा क्या होता है, फ्लोर एप्रॉन होता है। उसके बाहर निकल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन आ जाएगा। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल एप्रॉन है, जो कि हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल एप्रॉन है। ये आपको अपस्ट्रीम साइड का फ्लेक्सिबल एप्रॉन दे रखा है और ये आपको डाउनस्ट्रीम साइड का फ्लेक्सिबल एप्रॉन दे रखा है। क्लियर? अब ये होता क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब एप्रॉन क्या होता है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो भी आपका एप्रॉन यूज करते हैं। आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो भी हम लोग एप्रॉन यूज करते हैं, किचन में आपका एप्रॉन का यूज होता है, रेस्टोरेंट्स में आप देखते होंगे, या फिर जो आपके डॉक्टर हैं जो सर्जरी करने जाते हैं वो भी आपका एप्रॉन का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, एप्रॉन क्यों यूज करते हैं, ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। जो आपके रेस्टोरेंट्स में जो आपके सेफ वगैरह होते हैं या फिर आपकी जो लोग किचन में काम करते हैं, तो वो एप्रॉन पहनते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो। यहाँ पे जो हम एप्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है उसको सेफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? सेफ्टी के लिए, जैसे हम लोग वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए किचन्स में या फिर सर्जरी में जब आपके डॉक्टर्स जाते हैं तो एप्रॉन पहनते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो, उसी तरह से जो आपका स्ट्रक्चर है उसको सेफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके एप्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ये आपका क्या है, फ्लोर एप्रॉन है। अब फ्लोर एप्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें एक पहले पीसीसी का बेड प्रोवाइड करते हैं। फ्लोर एप्रॉन में क्या होता है, आपका सबसे पहले एक आपका 150 mm प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का बेड आ रहा होता है और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग में आपका जो स्टोन होता है उसको एम्बेडेड कर देते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर एप्रॉन बोल रहे हैं। इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, जो आपका फ्लोर एप्रॉन का लेंथ है वो आपकी कर्टन वॉल की लेंथ के बराबर होगा और इसका ब्रेथ आपको यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका फ्लोर एप्रॉन का लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि आपको ऊपर दे रखा है। जो हमारा कर्टन वॉल का लेंथ होगा सेम टू सेम आपका फ्लोर एप्रॉन का लेंथ हो जाएगा। इसका कुछ आपका ये ब्रेथ दे रखा है, ये देखेंगे, ये आपका ब्रेथ दे रखा है 6483 आपका ब्रेथ दे रखा है। किसका, जो आपका डाउनस्ट्रीम साइड में आ रहा है। इसी तरह से आप अपस्ट्रीम साइड में देख सकते हैं, अपस्ट्रीम साइड में जो आपका फ्लोर एप्रॉन आएगा उसका लेंथ आपको ये दे रखा है। लेंथ कितना होगा, जितना हमारा कर्टन वॉल का लेंथ होगा, और इसका ब्रेथ कितना होगा, ये आपको दे रखा है 6483, इस तरह से।
तो ये हमारा फ्लोर एप्रॉन का एनालिसिस हो गया, बाकी इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग इसके सेक्शन कट करके वहां पे देख रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है, क्लियर। कर्टन बॉल के बाहर आप निकलेंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है। और फ्लेक्सिबल एप्रॉन में हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सिर्फ इसमें आपके जो स्टोन है उसको प्रॉपर अरेंज करके छोड़ देते हैं, क्लियर। जो आपकी सॉइल होती है उसको हम प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर स्टोन को प्रॉपर तरह से अरेंज कर देते हैं ताकि आपका वाटर के साथ साथ आपकी सॉइल का फ्लो ना हो, क्लियर, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल रहे, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है उसका लेंथ कितना होगा, जितना आपका कर्टन वॉल का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए, जितना हमारा कर्टन वॉल का लेंथ है उतना ही आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन का लेंथ हो जाएगा। और इसका ब्रेथ आपको ये दे रखा है 6000 मिलीमीटर डाउनस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड में जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन आएगा उसका ब्रेथ कितना है 6000 मिलीमीटर और आपका लेंथ कितना होगा, जितना कि आपका कर्टन वॉल का लेंथ आपको ऊपर दे रखा है, क्लियर। डाउनस्ट्रीम साइड में हम थोड़ा सा हैवी और बड़ा आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन रखते हैं, बल्कि जब आप अपस्ट्रीम साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम साइड में आप देखेंगे जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है उसका लेंथ कितना होगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा जो कि आपकी कर्टन वॉल की लेंथ के बराबर होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। और इसका जो ब्रेथ है वो काफ़ी कम है, ये देखेंगे आपको ये दे रखा है 3000 मिलीमीटर, क्लियर। ये देखेंगे अपस्ट्रीम साइड में जो हमारा फ्लेक्सिबल एप्रॉन आ रहा है उसकी ब्रेथ कितनी है 3000 मिलीमीटर और डाउनस्ट्रीम साइड में जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन आ रहा है उसकी ब्रेथ कितनी है आपका 6000 मिलीमीटर, जस्ट डबल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अपस्ट्रीम साइड से आपका वाटर एंटर कर रहा होता है तो वहाँ पे आपका इतना फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब आपका वाटर स्ट्रक्चर से बाहर निकल के जाता है तो उसका फ्लो बढ़ जाता है, क्लियर। तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा हम हैवी फ्लेक्सिबल एप्रॉन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लियर। तो जो हमारा एप्रॉन प्रोवाइड करने का जो मेन मीनिंग है वो क्या है कि आपका जो सॉइल है आप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में जब आपका वाटर फ्लो हो रहा होता है एक हाई वेलोसिटी से, तो आपका वाटर के साथ साथ ऐसा नहीं हो कि आपका सॉइल भी फ्लो हो जाए, आपका वाटर अपने साथ सॉइल को भी बहा के ले जाए, क्लियर। अगर आपका सॉइल फ्लो हो गया वाटर के साथ में तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर में आपकी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए हम ये सारा प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके जो आसपास की जो सॉइल है वो आपकी होल्ड बनी रहे। इतना सारा प्रोटेक्शन वर्क इसलिए हो रहा है ताकि जो आपका स्ट्रक्चर है उसके आसपास की जो सॉइल है उसको हम होल्ड करके रख सकें और ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये प्लान तो समझ में आया होगा कि इसमें जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जैसे आपका टॉय बॉल है, आपकी कर्टन वॉल बन रही होती है, उसके बाद हम फ्लेक्सिबल एप्रॉन बना रहे होते हैं, फ्लोर एप्रॉन बना रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अपस्ट्रीम साइड में आप देखेंगे तो आपकी सबसे पहले टॉय वॉल बनती है, तो दो टॉय वॉल आपकी अपस्ट्रीम साइड में आएंगी, दो आपकी डाउनस्ट्रीम साइड में आएंगी। उसके बाद आपकी कर्टन वॉल बन रही होती है तो एक कर्टन वॉल आपकी अपस्ट्रीम साइड में आएगी, एक कर्टन वॉल आपकी डाउनस्ट्रीम साइड में आएगी। और इसके बाद हमारा फ्लोर एप्रॉन बन रहा होता है तो एक फ्लोर एप्रॉन आपका अपस्ट्रीम साइड में और एक आपका डाउनस्ट्रीम साइड में। और इसके बाद हमारा फ्लेक्सिबल एप्रॉन जो कि आपका एक अपस्ट्रीम साइड में दूसरा आपका डाउनस्ट्रीम साइड में, उसमें लेंथ ब्रेथ आपको ये दे रखी है। ये आपका प्लान है, इस प्लान में सिर्फ आप लेंथ और ब्रेथ दे सकते हैं, लेकिन इसका डेप्थ क्या होगा इसका और डिटेल हम लोग जानने के लिए किसमें चल रहे हैं, इसके सेक्शन को कट कर रहे हैं, इस तरह से हम इसका सेक्शन कट कर रहे हैं और फिर हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसकी डेप्थ कितनी होगी, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं हम इसका इस तरह से सेक्शन कट कर रहे हैं, ये देखेंगे आपको दे रखा है सेक्शन ए, हम इसका इस तरह से सेक्शन कट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आप अपना आँख लगाइए, क्लियर, यहाँ पे आप अपना आँख लगाइए इस तरह से और फिर इसको देखिए इस तरह से, यहाँ पे आँख लगा के आप इस तरह से देखिए, तब आपको ये पूरा डिटेल पता चल रहा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी डेप्थ क्या है, वहाँ की सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए फिर हम इसके सेक्शन में चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। ये देखेंगे इसका ये सेक्शन ए दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको ये सेक्शन ए दे रखा है। तो पहले हम अपस्ट्रीम साइड को एनालिसिस कर लेते हैं सेक्शन में, बाद में हम किस में जा रहे होंगे डाउनस्ट्रीम साइड में जा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या दे रखा है, सेक्शन ए दे रखा है, ये हमारा क्या है सेक्शन ए है और ये हमारा क्या है मेन स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है मेन स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या दे रखा है मेन स्ट्रक्चर दे रखा है, क्लियर। और ये हमारी क्या है अपस्ट्रीम साइड है, लिखा हुआ यूएस, यहाँ से जो आपका वाटर है वो इस तरह से एंटर करेगा, यहाँ से जो आपका वाटर है वो इस तरह से एंटर कर रहा होगा, क्लियर। और स्ट्रक्चर में
ये आप देखेंगे, ये आपको अपस्ट्रीम साइड दे रखा है, यहाँ से आपका वाटर एंटर कर रहा होगा और डाउनस्ट्रीम साइड से आपका वाटर निकल जाएगा, क्लियर। तो हम इस अपस्ट्रीम साइड का एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको फ्लोर एप्रॉन और फ्लेक्सिबल एप्रॉन का थोड़ा सा डिटेल और पता चल सके। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इस तरह से हमारा कर्टन वॉल बन रहा होता है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कर्टन वॉल का डिटेल दे रखा है कुछ, ये देखेंगे ये कर्टन वॉल का आपका पीसीसी दे रखा है, ये कर्टन वॉल का हमारा क्या है पीसीसी है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ये कर्टन वॉल का आपको फर्स्ट स्टेप दे रखा है, ये कर्टन वॉल का सेकेंड स्टेप दे रखा है और ये कर्टन वॉल का आपको थर्ड स्टेप दे रखा है, क्लियर। और ये हमारी कर्टन वॉल का टॉप ब्रेथ है जो कि कितना है आपका 200 mm, जो कि मैंने आपको प्लान में भी बताया था। अब इस कर्टन वॉल का बाकी आपको डिटेल देखना है कि इस कर्टन वॉल में जो आपके स्टेप्स आ रहे हैं उसकी क्या ब्रेथ होगी, उसकी क्या डेप्थ होगी, क्लियर। कर्टन वॉल की लेंथ तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, बाकी इसका और डिटेल देखना है कि इसका आपका जो इन्वर्ट लेवल उससे कितनी डेप्थ होगी, उसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा सेक्शन X1 में जाना पड़ेगा। जब हम सेक्शन X1 में जाएंगे तो उसका डिटेल हमें मिल रहा होगा, जो कि हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, थोड़ा सा तो ठंड पकड़ी आप, क्लियर। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कर्टन वॉल है और जो आपका मेन स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो हमारा पार्ट है वो क्या होता है फ्लोर एप्रोन आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, ये देखेंगे हमने यहाँ पे जो आपके इस तरह से जो क्रॉसिंग आ रही है, जो आपके क्रॉस मार्क आ रहे हैं, ये क्या है सॉइल कॉम्पैक्शन के हैं। तो हमने सबसे पहले आपकी जो सॉइल है उसको अच्छे से कूटा पीटा, ठीक है, अच्छे से उसको ठोक पीट के सही कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये पीसीसी डाल रहे होते हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, तो ये हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा ये प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा आपका ये प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट आ रहा होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉन्क्रीटिंग करके उसमें आपके जो स्टोन होते हैं उसको एम्बेडेड कर देते हैं, मींस फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कॉन्क्रीटिंग के साथ आपके जो स्टोन होते हैं उसको एम्बेडेड कर देते हैं। ये हमारे स्टोन है जिसको हमने क्या किया है एम्बेडेड किया हुआ है कॉन्क्रीटिंग में, और ये आपको दे रखा है फ्लोर एप्रॉन और इसका जो आपका ब्रेथ है वो कितना है आपका 6483 mm आपको दे रखा है, क्लियर। इसके बाद जब आप कर्टन वॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको फ्लेक्सिबल एप्रॉन मिलेगा, जो कि आपको ये दे रखा है फ्लेक्सिबल एप्रॉन, और जो आपका अपस्ट्रीम साइड है उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल एप्रॉन कम रखते हैं 3 मीटर का, क्योंकि वहाँ से वाटर एंटर कर रहा होता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपकी सॉइल की कुटाई पिटाई होती है, सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये हमने इस तरह से किया हुआ है। इसके ऊपर से हमारा क्या है ये हमारा इसके ऊपर से क्या आ जाएंगे स्टोन आ जाएंगे, इसके ऊपर से हमारा ये स्टोन आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा क्या है आपका इस तरह से स्टोन आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया आपका जो फ्लेक्सिबल एप्रॉन है वो कितने मीटर का आ रहा है 3 मीटर का ब्रेथ है, बाकी लेंथ आपको दे रखा है जितना कर्टन वॉल का लेंथ होगा उतना ही आपका लेंथ हो जाएगा। सबसे पहले हम आपका यहाँ पे सॉइल का जो कॉम्पैक्शन है वो करेंगे, उसके बाद जो हमारे स्टोन्स होते हैं उसको हम प्रॉपर तरह से अरेंज करके फिक्स कर देंगे। यहाँ पे कोई भी कॉन्क्रीटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कॉम्पैक्शन करने के बाद आपके जो स्टोन है उसको प्रॉपर सिक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। तो ये डिटेल आपको दे रखा है किसका अपस्ट्रीम साइड का, जहाँ हम मैक्सिमम की डिटेल देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे आपको और डिटेल समझ में आएगा जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है, जो आपका फ्लोर एप्रॉन है और जो आपकी कर्टन वॉल आ रही है, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल रही होगी जब हम ये आपका X1 का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डाउनस्ट्रीम साइड में, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डाउनस्ट्रीम साइड की। तो ये देखेंगे आपको ये डाउनस्ट्रीम साइड का डिटेल दे रखा है, ये आपको डाउनस्ट्रीम साइड का डिटेल दे रखा है DS, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है मेन स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से आएगा, और इसके बाद ये आप डाउनस्ट्रीम साइड देख सकते हैं। डाउनस्ट्रीम साइड में सबसे पहले आपका ये कर्टन वॉल बन रहा होगा, तो ये आपको कर्टन वॉल दे रखा है और इस कर्टन वॉल में इस तरह से आपके स्टेप्स आ रहे होंगे, आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका थर्ड स्टेप है और ये आपका फोर्थ स्टेप है। अगर जनाब आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आप इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे कि जो आपका अपस्ट्रीम साइड में जो कर्टन वॉल आ रहा था उसमें सिर्फ कितने स्टेप थे 3 स्टेप थे, लेकिन ये क्या है डाउनस्ट्रीम साइड का है, थोड़ा सा हैवी होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 4 स्टेप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका अगर हमें आप डिटेल जानना है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा X2 में जाना पड़ेगा, क्लियर, कि जो आपका ये 4 स्टेप आ रहे हैं इसका क्या डेप्थ होगा, क्या ब्रेथ होगा, क्या कॉन्क्रीटिंग होगी, सब कुछ आपको X2 में मिल जाएगा जो कि हम थोड़ी देर में चलेंगे। थोड़ा सा ठंड पकड़िए आप, क्लियर। तो ये देखेंगे सबसे पहले आपका क्या आता है फ्लोर एप्रॉन आता है, जो आपकी कर्टन वॉल है और जो आपका मेन स्ट्रक्चर है उसके बीच में आपका ये फ्लोर एप्रॉन आ रहा होता है, कि जो कि आपका ये आ रहा है, ये देखेंगे ये आपको फ्लोर एप्रॉन दे रखा है और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है 6483 mm दे रखा है। तो फ्लोर एप्रॉन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सॉइल कॉम्पैक्शन करते हैं,
सॉयल को ठोक पीट के बराबर कर रहे होते हैं। तो ये देखेंगे हमारा क्या है, ये सॉयल का कॉम्पैक्शन हो रहा है इस तरह से। इसके बाद हमारा पीसीसी आता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का हम बेड डाल रहे होते हैं, ये हमारा पीसीसी का बेड आ जाएगा। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करके जो आपके स्टोन है उसको हम एम्बेडेड कर देते हैं, स्टोन को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कंक्रीटिंग के साथ ये आपके स्टोन को भी फिक्स किया हुआ है। अब इसका क्या डिटेल है वो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि जब हम इसका ये एक्स टू एनालिसिस करेंगे तो प्रॉपर डिटेल आपको मिल रहा होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका फ्लोर एप्रॉन। अब जो आपका कर्टन वॉल के बाहर निकल के जो पार्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबल एप्रॉन, जो कि आपको कितना दे रखा है, 6 मीटर का दे रखा है। क्लियर? जो हमारी अपस्ट्रीम साइट थी जहाँ से वाटर एंटर करता है वहाँ पे फ्लेक्सिबल एप्रॉन कितना था आपका, 3000 मिलीमीटर था, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 6000 दे रखा है। क्लियर? और ये आपकी सॉइल है जिसको हम ठोक पीट के कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, इस तरह से जो मार्किंग देख रहे हैं आप, क्रॉस मार्किंग, ये हमारा क्या है, सॉइल कॉम्पैक्शन का आपका मार्क होता है। उसके ऊपर से हमारा ये स्टोन फिक्स हो जाएंगे। जो भी आपके स्टोन होते हैं जो बोल्डर्स के फॉर्म में आते हैं, स्टोन का साइज भी आपको दिया होगा, उसका वेट भी आपको दिया होगा, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल रही होंगी। क्लियर? तो ये देखेंगे इस तरह से हमारे जो स्टोन है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। जो आपके बड़े बड़े साइज के बोल्डर्स आते हैं उनको हम एक प्रॉपर सिक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, फ्लेक्सिबल एप्रॉन बन जाता है। तो ये डिटेल है आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन का, जो कि कितना है आपका, 6 मीटर का आ रहा है। तो ये हमने डाउनस्ट्रीम साइड का एनालिसिस कर लिया जो कि आपको सेक्शन ए में दिया हुआ था, लेकिन अभी भी हमें इसका कंप्लीट डिटेल पता नहीं चला है कि जो आपका कर्टन वॉल आ रही है अपस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड में, उसका क्या एनालिसिस है, क्या डेप्थ है, क्या ब्रेथ है, उसका हमें प्रॉपर एनालिसिस नहीं पता चला है। तो इसके लिए जो हमारा डिटेल है X1 और X2 उसमें चलेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं कि इसमें सेक्शन आपका ए का जो आपका X1 और जो X2 डिटेल दिया हुआ इसमें हम चलते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको X1 का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ X1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ X1, और ये क्या है, कर्टेन वॉल अपस्ट्रीम साइड का डिटेल दिया हुआ है। क्लियर? हमारी अपस्ट्रीम साइड में जो आपकी कर्टेन वॉल आ रही थी तो उसका आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। आपका जो कर्टेन वॉल है उसका तो डिटेल मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में जो आपका फ्लोर एप्रॉन बनेगा, जो आपकी फ्लेक्सिबल एप्रॉन बनेगी, उसका आपको कंप्लीट डिटेल मिल रहा होगा। क्लियर? चलिए फिर हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस तरह से आपका ये पीसीसी आएगा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ये पीसीसी आएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 150 mm थिकनेस है, और इसकी ग्रेड क्या है, M15। तो यहाँ पे आपका M15 ग्रेड का लेबलिंग कोर्स आ रहा है 150 mm थिकनेस का। इसका ब्रेथ कितना है वो भी आपको दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, ये देखेंगे इसका ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, 1500 mm, 1.5 मीटर इसका आपको ब्रेथ दे रखा है। और ये आपको फर्स्ट स्टेप दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेप दे रखा है, ये देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उससे जो आपका पीसीसी है वो 100 mm प्रोजेक्ट करेगा, ये देखेंगे कितना प्रोजेक्ट करेगा, 100 mm। जो आपका फर्स्ट स्टेप है उससे जो हमारा पीसीसी है वो 100 mm आपका प्रोजेक्ट करेगा, या फिर आपका फर्स्ट स्टेप से जो आपका पीसीसी का जो ऑफसेट है वो आपको कितना दे रखा है, 100 mm दे रखा है। वैसे इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीसीसी का जो ब्रेथ है वो आपको डायरेक्टली दे रखा है 1500 mm। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया है। क्लियर? अब जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसका ब्रेथ क्या होगा? क्लियर? अब आपको फर्स्ट स्टेप का ब्रेथ निकालना है तो ये आपको 425 दे रखा है, ये आपको 450 दे रखा है, ये आपको 425 दे रखा है। इसको आप ऐड करेंगे तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसका ब्रेथ निकल के आएगा कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये आपको कुछ 1300 mm आ रहा होगा। क्लियर? जो आपको फर्स्ट स्टेप दे रखा है कर्टेन वॉल का तो उसका क्या ब्रेथ होगा, तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये 425 दे रखा है, ये आपको 450 दे रखा है, और ये आपको फिर से 425 दे रखा है। इसको आप ऐड करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसका आपको ब्रेथ निकल आएगा। क्लियर? अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका कुछ 1300 कुछ आएगा। क्लियर? कितना आएगा, ये आपका कुछ 1300 आ रहा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसका ब्रेथ कितना हो गया है, आपका 1300 mm हो गया है। क्लियर? और जो आपका फर्स्ट स्टेप उसका डेप्थ कितना हो जाएगा, ये देखेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप उसका डेप्थ भी यहाँ पे आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 800 mm, ये देखेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टेप का आपको इन्होंने क्या दे रखा है, डेप्थ दे रखा है 800 mm। इसके बाद हमारा ये सेकेंड स्टेप आ रहा है,
ये हमारा क्या सेकेंड स्टेप आ रहा है। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, सेकेंड स्टेप का ब्रेथ कितना होगा, ये आपको दे रखा है 450, हम निकालने की क्या जरूरत है, दे तो रखा है 450 कि जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसका क्या ब्रेथ हो जाएगा, 450 हम ये दे रखा है आपको, क्लियर। और इसका जो डेप्थ है वो आपको कितना दे रखा है, 750, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या आएगा, थर्ड स्टेप आएगा। तो ये आपको थर्ड स्टेप दे रखा है, ये देखेंगे ये हमारा क्या थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप का ब्रेथ आपको मैंने प्लान में भी बताया था कि 200 दे रखा है, ये देखेंगे आप। तो थर्ड स्टेप का ब्रेथ कितना है, ये आपको 200 दे रखा है, क्लियर। थर्ड स्टेप का ब्रेथ कितना है, ये आपको 200 दे रखा है। और इसका जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, वो आपको 450 mm दे रखा है इस तरह से, क्लियर। तो जो हमारा अपस्ट्रीम साइड में जो कर्टेन बॉल आ रहा है उसमें आपके तीन स्टेप बनेंगे पीसीसी के बाद, क्लियर। और सभी का यहाँ पे प्रॉपर डेप्थ दे रखा है। तो थर्ड स्टेप का डेप्थ आपको कितना हो जाएगा, 450। आपका जो सेकेंड स्टेप उसका डेप्थ कितना होगा, आपका 750। और जो आपका थर्ड स्टेप है उसका डेप्थ आपको 800 दे रखा है। अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो इन्वर्ट लेवल से जो हमारा कार्टन बॉल है वो कितना नीचे जाएगा इसका आपको पता चल जाएगा, ये देखेंगे आप यहाँ पे। अगर आप सभी स्टेप्स को ऐड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका इन्वर्ट लेवल है उससे जो हमारा कार्टन बॉल है वो आपका 2 मीटर नीचे जाएगा। 2 मीटर बहुत होता है जनाब, ये देखेंगे। तो जो आपका इन्वर्ट लेवल है उससे आपका जो कर्टेन वॉल है आपका अपस्ट्रीम साइड में कितना जा रहा है, 2 मीटर नीचे जा रहा है। और 2 मीटर बहुत होता है, तो ये किस लिए इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका जो वाटर है वो सीपेज ना हो और आपका स्ट्रक्चर के नीचे से पास ना हो, क्लियर। तो ये हमारा कर्टेन वॉल का पूरा एनालिसिस हो गया है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे जो आपका फ्लोर एप्रोन आ रहा है और जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रोन आ रहा है, तो उसका भी आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, आपका अपस्ट्रीम साइड का दे रखा है, ये क्या है आपका अपस्ट्रीम साइड का सेक्शन दे रखा है। तो इसमें जो आपका वाटर फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये देखेंगे आपका अपस्ट्रीम साइड में आपका वाटर कुछ इस तरह से फ्लो होके जा रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको क्या दे रखा है, आपका जो फ्लोर एप्रोन है उसका कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका फ्लोर एप्रोन होता है, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है और जो कर्टेन बॉल है उसके बीच में आपका फ्लोर एप्रोन होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो मार्किंग दे रखी है सॉइल कॉम्पैक्शन की दे रखी है। तो यहाँ पे क्या होगी, सॉइल की ठुकाई और पिटाई होगी ताकि वो थोड़ा सा सख्त बने, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके ऊपर से पीसीसी आ रहा होगा, तो ये हमारा पीसीसी आ जाएगा, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट या फिर लेबलिंग कोर्स आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा पीसीसी आएगा, इसका डिटेल आपको दे रखा है कि 150 mm थिकनेस का पीसीसी है और इसमें जो कॉन्क्रीटिंग करेंगे M15 ग्रेड करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोन को फिक्स करेंगे। तो ये हमारे स्टोन फिक्स हो रहे होंगे इस तरह से, ये देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोन को फिक्स करेंगे। इसका डेप्थ आपको कितना दे रखा है, 300 mm दे रखा है, ये देखेंगे, क्लियर। जो हमारा फ्लोर एप्रॉन है, तो फ्लोर एप्रॉन का इन्वर्ट लेवल से डेप्थ कितना है, ये आपको दे रखा है 450, ये देखेंगे, ये आपको 450 आपका फ्लोर एप्रॉन का डेप्थ दे रखा है इन्वर्ट लेवल से, जिसमें आपका 150 mm का पीसीसी आ जाएगा और उसके ऊपर हमारा ये 300 mm थिकनेस का आपका स्टोन का एम्बेडेड होगा, किसमें, कॉन्क्रीट में, ये देखेंगे आपको दे रखा है यहाँ पे, पढ़िए इसको क्या दे रखा है, 150 mm थिक फ्लैट स्टोन एप्रॉन एम्बेडेड इन 300 mm थिक कॉन्क्रीट M15 ग्रेड, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आपका 150 mm का लेबलिंग कोर्स आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ये 300 mm ये बच रहा है, जो आप ये देखेंगे ये हमारा जो 300 mm बच रहा है, इस 300 mm में हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्क्रीटिंग करेंगे, फिर उस कॉन्क्रीटिंग में ही उसके ऊपर 150 mm थिकनेस के जो आपके स्टोन्स आते हैं उसको हम क्या कर देंगे, प्रॉपर तरह से फिक्स कर देंगे या फिर आपका एम्बेडेड कर देंगे, क्लियर। पहले आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ठुकाई पिटाई करने के बाद आपका 150 mm का लेबलिंग कोर्स डाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 300 mm का ये स्पेस बच रहा है, तो इस 300 mm में हम लोग क्या करेंगे, 300 mm में आपकी कॉन्क्रीटिंग होगी, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 300 mm में हम लोग क्या करेंगे, M15 ग्रेड का कॉन्क्रीट करेंगे, फिर उसी 300 mm के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 150 mm थिकनेस के जो स्टोन है उसको एम्बेडेड कर देंगे, उसको अंदर फिक्स कर देंगे, क्लियर। 150 mm का हमने लेबरिंग कोर्स डाला, उसके जस्ट ऊपर हम लोग 300 mm की कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, और उस 300 mm की कॉन्क्रीट के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 mm के जो आपके स्टोन है उसको फिक्स कर रहे हैं, क्लियर। इस तरह से जो आपके स्टोन है वो आपके फिक्स हो रहे होंगे।
इस तरह से हम लोग 150 एम के आपके स्टोन फिक्स कर देंगे। ये 300 एम की हमने कॉन्क्रीटिंग की और उसमें आपके 150 एम के ये इस तरह से आपके स्टोन फिक्स हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका फ्लैट स्टोन एप्रॉन एम्बेडेड इन 300 एम थिक कॉन्क्रीट। क्लियर? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोन एम्बेडेड इन फ्लोर एप्रॉन। क्लियर? आई होप कि अभी तो क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट हम चलेंगे आपके फ्लेक्सिबल एप्रॉन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे आपको फ्लेक्सिबल एप्रॉन का डिटेल दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल एप्रॉन में जो आपकी सॉइल आ रही होती है उसकी ठुकाई और पिटाई करते हैं ताकि वो कॉम्पैक्ट हो जाए। तो ये हमने सॉइल की ठुकाई और पिटाई करके इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, उसके ऊपर आपका ये स्टोन एप्रॉन आ रहा होगा। ये देखेंगे इस तरह से इसके ऊपर ये आपका स्टोन का एप्रॉन आ जाएगा। इसका डिटेल आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, कितना डिटेल दे रखा है आप ये देखेंगे, 750 एम थिक आपको ये स्टोन एप्रॉन दे रखा है। इसका डेप्थ भी आपको ये दे रखा है स्टोन एप्रॉन का, ये देखेंगे। क्लियर? तो फ्लोर एप्रॉन तो हमने एनालिसिस किया है जिसमें आपका कॉन्क्रीटिंग भी आता है और उस कॉन्क्रीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, आपके स्टोन को एम्बेडेड करते हैं। जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन होता है उसमें कोई कॉन्क्रीटिंग नहीं होती है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं 750 mm के स्टोन लेंगे और उसको प्रॉपर तरह से अरेंज करके आपका फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फ्लेक्सिबल एप्रॉन बनके तैयार हो जाएगा। आई होप कि अभी आपको ये अपस्ट्रीम साइड का केस समझ में आया हो। इसी तरह से हम चलते हैं आपको डाउनस्ट्रीम साइड में लेके और उसका प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे। तो आप ये देखेंगे ये आपको क्या दे रखा है कि जो आपका अरेंजमेंट आपकी डाउनस्ट्रीम साइड में आ रहा है उसका ये आपको प्रॉपर डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने, ये आपका क्या है, आपका X2 का डिटेल है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेक्शन में बताया था। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे, डिटेल एट X2 कर्टन वॉल आपकी डाउनस्ट्रीम साइड। क्लियर? तो डाउनस्ट्रीम साइड में जितना भी हमारा अरेंजमेंट होगा, आपकी कर्टन वॉल आएगी, फ्लोर एप्रॉन आएगा, फ्लेक्सिबल एप्रॉन आएगा, उसका कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो कर्टन वॉल है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो कर्टन वॉल में सबसे पहले आपका क्या आएगा, इस तरह से आपको ये PCC दे रखा है, ये देखेंगे इस तरह से हमारा ये PCC का बेड आएगा, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का। इसका थिकनेस भी आपको दे रखा है 150 mm और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 150 mm थिक M15 ग्रेड PCC। मीन्स यहाँ पे हम लोग M15 ग्रेड का PCC डालेंगे और इसका लेंथ भी आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। लेंथ कितना दे रखा है आपको, 1850 mm दे रखा है। तो यहाँ पे आपको 1850 mm का ये लेंथ भी दे रखा है। क्लियर? उसके बाद हम लोग अपना जो कर्टन वॉल है उसका फर्स्ट स्टेप बनाएंगे। तो कर्टन वॉल का फर्स्ट स्टेप दे रखा है, ये देखिए ये हमारी क्या है, कर्टन वॉल का फर्स्ट स्टेप है और इसका जो आपको लेंथ है वो इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसका लेंथ कितना है आपको, 1650 mm दे रखा है, या फिर आप बोल सकते हैं 1.65 मीटर। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं और पहले आप इसका डेप्थ देख लीजिए कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसका डेप्थ कितना दे रखा है। ये आपको फर्स्ट स्टेप का डेप्थ दे रखा है 550 mm। क्लियर? इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आ रहा है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप आ रहा है। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा आ रहा है उसका ब्रेथ आप देख सकते हैं कितना होगा, 750 mm आपको दे रखा है और इसका जो ऑफसेट होगा फर्स्ट स्टेप से वो आपको दे रखा है 450 mm इस तरह से। और जो आपका सेकेंड स्टेप है उसका जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 750 mm इस तरह से। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आएगा, तो ये आप देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टेप आएगा इस तरह से। तो जो थर्ड स्टेप आएगा उसका ब्रेथ आपको इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ये थर्ड स्टेप का आपको इन्होंने ब्रेथ दे रखा है, कितना दे रखा है 450 mm। क्लियर? इसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो भी आपको कितनी दे रखी है, 750 mm। क्लियर? इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आएगा जो कि फोर्थ है, ये देखेंगे ये हमारा फोर्थ स्टेप है जिसका ब्रेथ मैंने आपको प्लान में भी दिखाया था 200 mm है और इसकी जो डेप्थ है वो आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 450 mm। क्लियर? जो हमारा लास्ट स्टेप होगा फोर्थ, उसकी डेप्थ कितनी है 450 mm और इसकी ब्रेथ आपको दे रखी है 200 mm। तो इस तरह से हमारा जो डाउन स्ट्रीम साइड है उसमें थोड़ा सा हैवी हम लोग कर्टन वॉल प्रोवाइड करते हैं। इसमें चार स्टेप आ रहे हैं, सभी का हमने यहाँ पे एनालिसिस देख लिया है कि आपका क्या ब्रेथ होगा, क्या डेप्थ होगा और जो लेंथ है वो तो वही होगी जो आपके कर्टन वॉल की लेंथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डाउन स्ट्रीम साइड में जो कर्टन वॉल आएगा वो आपका इन्वर्ट लेवल से कितना डाउन जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपका इन्वर्ट लेवल से 2.5 मीटर डाउन जाएगा। यहाँ पे हमने 500 mm बढ़ा दिया है, अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुना हो
तो जहाँ अपस्ट्रीम साइड का एनालिसिस कर रहे थे, तो जो आपका अपस्ट्रीम साइड में जो आपकी कर्टन बॉल है वो 2 मीटर डाउन जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कितना जा रहा है, 2.5 मीटर आपका डाउन जा रहा है, क्योंकि अपस्ट्रीम साइड में चीज़ें कम होती हैं, डाउन स्ट्रीम साइड में थोड़ी सी चीज़ें हैवी हो जाती हैं, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये हमने कर्टन बॉल का एनालिसिस किया। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जो आपके फ्लोर एप्रॉन है और जो आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन है उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर? इसमें जो आपका वाटर है वो इस तरह से आपका एंटर कर रहा होगा। क्लियर? यहाँ पे इस तरह से आपका पानी निकल जाएगा, ये देखेंगे इस तरह से ये आपका पानी निकल रहा होगा। क्लियर? आपका अपस्ट्रीम साइड से पानी आएगा और डाउनस्ट्रीम साइड से आपका पानी निकल रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आता है, आपका फ्लोर एप्रॉन आता है, जो आपका कर्टन बॉल है और जो आपका मेन स्ट्रक्चर है उसके बीच में हमारा क्या आएगा, फ्लोर एप्रॉन आएगा। और फ्लोर एप्रॉन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की टोकाई और पिटाई करते हैं ताकि वो थोड़ी सख्त हो, मीन्स उसका कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ये हमने सॉइल का कॉम्पैक्शन किया इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, सॉइल का कॉम्पैक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना लेबलिंग कोर्स डाल रहे हैं पीसीसी का। तो ये हमारा पीसीसी का लेबलिंग कोर्स आएगा। तो ये हमारा क्या है, पीसीसी का लेबलिंग कोर्स आ जाएगा, जो कि कितना दे रखा है आपको, 150 mm का दे रखा है, लिखा हुआ है 150 mm थिक आपका पीसीसी का यहाँ पे लेबलिंग कोर्स आएगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट आएगा 15 ग्रेड का, 150 mm थिकनेस का। और इसके ऊपर हमारा क्या होगा, फ्लोर एप्रॉन बनेगा, जो मेन फ्लोर एप्रॉन है वो इसके ऊपर हमारा बनेगा इस तरह से। क्लियर? ये हमारा मेन फ्लोर एप्रॉन आएगा। क्लियर? इसका थिकनेस आपको कितना दे रखा है, ये आपको 300 mm दे रखा है। क्लियर? ये आपको 300 mm दे रखा है। जो हमारा मेन फ्लोर एप्रॉन है उसका थिकनेस कितना है, 300 mm है। और इस फ्लोर एप्रॉन में क्या आएगा, ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे 150 mm थिक फ्लैट स्टोन एप्रॉन एम्बेडेड इन 300 mm थिक कॉन्क्रीट M15 ग्रेड। क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका 150 mm थिकनेस का लेबलिंग कोर्स आ रहा है, जिसका ग्रेड कितना है आपका M15 है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 300 mm का आपका फ्लोर एप्रॉन आ रहा है। क्लियर? इस फ्लोर एप्रॉन में क्या होगा, सबसे पहले हमारी कॉन्क्रीटिंग आएगी और उस कॉन्क्रीटिंग में हम लोग क्या करेंगे, आपके 150 mm थिकनेस के आपके स्टोन को फिक्स कर दिया जाएगा। क्लियर? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस तरह से कॉन्क्रीटिंग करेंगे। और कॉन्क्रीटिंग करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 150 mm थिक जो हमारे स्टोन होंगे फ्लैट, उसको हम फिक्स कर देंगे इस तरह से। इस तरह से जो हमारे स्टोन है वो आपके फिक्स कर दिए जाएंगे। क्लियर? इस तरह से हमारे कॉन्क्रीटिंग करने के बाद आपके जो 150 mm थिकनेस के स्टोन है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आपका फ्लोर एप्रॉन है, जिसमें हम लोग स्टोन को एम्बेडेड कर रहे हैं इस तरह से। क्लियर? 300 mm थिकनेस का है, उसमें हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं और उस कॉन्क्रीट के साथ ही में उसको स्टोन के साथ एम्बेडेड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके स्टोन आ जाएंगे। आई होप कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन। तो ये आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन का डिटेल दे रखा है। इसमें सबसे पहले आपकी जो सॉइल है उसको टुकाई पिटाई करके हम सख्त, मीन्स कॉम्पैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमारा क्या होगा, आपका ये जो एक्चुअल फ्लेक्सिबल एप्रॉन है वो आपका आएगा ये इस तरह से। ये हमारा क्या है, एक्चुअल आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन, जिसमें क्या होगा आपका 750 mm थिक स्टोन एप्रॉन आएगा। मीन्स जो हमारा फ्लेक्सिबल एप्रॉन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 750 mm थिकनेस के जो स्टोन है उसको प्रॉपर अरेंज करके फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा होता है स्टोन एप्रॉन। स्टोन एप्रॉन में हम लोग कोई भी कॉन्क्रीटिंग नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा स्टोन एप्रॉन है वहाँ पे आपका कोई भी पीसीसी नहीं हो रहा है, ना तो हम पीसीसी का लेवलिंग कोर्स कर रहे हैं, ना ही हम वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कॉन्क्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ हमारा फ्लेक्सिबल एप्रॉन में क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े स्टोन्स आते हैं, जो आपके बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट करके हम फिक्स कर देते हैं प्रॉपर सिक्वेंस में, और कुछ भी नहीं होता है, ताकि जो आपकी सॉइल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, आपकी सॉइल वाटर के साथ ना बह जाए। क्लियर? तो ये हमारा प्रॉपर आपको डिटेल दे रखा है कि आपका 750 थिक आपका स्टोन एप्रॉन आएगा। मीन्स हम लोग 750 mm थिकनेस के स्टोन इसमें प्रॉपर तरह से फिक्स करके अरेंज कर देंगे, तो आपका ये फ्लेक्सिबल एप्रॉन बन जाएगा। तो जनाब, हमने इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है आपका, जो डाउन स्ट्रीम साइड में जो आपका अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कर्टन बॉल है और जो आपकी फ्लेक्सिबल एप्रॉन है, जो आपका फ्लोर एप्रॉन है, उसका ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया है। तो जनाब, आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, ये सेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो बेसिकली हमने इस सेशन में क्या कवर किया है, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा
प्रोटेक्शन वर्क का काम होता है, जैसे कि आपका टॉय बॉल है, कर्टन बॉल है, फ्लेक्सिबल एपॉन है, फ्लोर एपॉन है, उसको हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये ड्राइंग आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा सा पढ़िए। ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ड्राइंग रीडिंग नहीं आएगी आप साइट पर भी काम करवा नहीं सकते, और इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो आप भूल जाइए, आपसे नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको समझ में आया कि जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास जो हम प्रोटेक्शन वर्क करते हैं उसकी डिटेल को हम ड्राइंग में कैसे एनालिसिस करते हैं, अपस्ट्रीम साइड में कैसे चीजें आएंगी, डाउनस्ट्रीम साइड में कैसे चीजें आएंगी। आई होप आपको समझ में आओ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रिइंफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।